प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जिसको भ्रष्टाचारी घोषित कर देंगे वो भ्रष्टाचारी हो गया, और जो उनके यहाँ चला गया उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल लेंगे तो वो चकाचक हो गया, सारे दाग उसके मिट गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज जेडीयू कार्यालय में साफ तौर पर ये कह दिया कि नीतीश कुमार जो है पीएम उम्मीदवार नहीं है। हालांकि कार्यकर्ता जो हैं लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि 2024 में पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। जैसे ही आज जेडीयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ, वैसे ही कार्यकर्ता देश का नेता कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाने लगे। लेकिन जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पोस्टर और बैनर लगाया जा रहा है पूरे पटना में जेडीयू कार्यालय में, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में गठबंधन बनने के बाद अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिस तरह का स्लोगन, जिस तरह का नारा दिया जा रहा है जेडीयू कार्यालय के सामने लगाया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार साफ साफ कोई भी बात नहीं बोलते हैं, जो वो नहीं बोलते हैं वो करते हैं, और जो देख सकते हैं किस तरह से जो है जेडीयू कार्यालय में नारा का स्लोगन दिया गया है, और साथ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ललन सिंह जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा में जो नेता चले जाते हैं वो साफ हो जाते हैं, और येदियुरप्पा जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार का कितना बड़ा आरोप लगा था और वो कहाँ है, किस तरह से उन पर जांच हुई, वो बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं और जो उनके विरोधी रहते हैं उनको फंसाने का काम करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। जो लोग आते हैं उनके रहने की, खाने की, मीटिंग की क्या व्यवस्था है, हर समय करते हैं, अभी वो देखने के लिए आए थे, पूरी व्यवस्था। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए, मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जिस राज्य में उनके जो विरोधी हैं उन पर CBI ED। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसको भ्रष्टाचारी घोषित कर देंगे वो भ्रष्टाचारी हो गया, और जो उनके यहाँ चला गया उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल लेंगे तो वो चकाचक हो गया, सारे दाग उसके मिट गए। अपने गिरिबान में झांक के भारतीय जनता पार्टी देखे कितने भ्रष्टाचारी लोग उनकी पार्टी के अंदर है। येदियुरप्पा क्या है, पूरा दुनिया जानता है येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे क्या भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप था, सारी दुनिया जानती है। किसको बनाया कि नहीं बनाया मुख्यमंत्री उनको बनाया कि नहीं बनाया, तो वो भाजपा में चले गए तो इसलिए वो पाक साफ हो गया, पूरा धुल गए। तो इसलिए ये सब कहानी नहीं है, ये कोई विश्वास अब उनका नहीं करने वाला है, ये सब जुमलाबाजी है और जुमलाबाजी अब कोई नहीं सुनने वाला। सुशील मोदी भी सर यहाँ पर अटैकिंग है, कह रहे हैं कि जनता सब समझ रही है। सुशील मोदी जी जो खुद जनता तो देख लेगी ना, समय आएगा ना। 42 आम सभा किए थे ना इस राज्य में प्रधानमंत्री 2015 में, और सुशील मोदी जी को मालूम है ना 53 सीट आया था, इसलिए उनको मालूम है कि क्या होने वाला है भविष्य, उनको अपना भविष्य पता है। ठीक, तो सुना आपने ललन सिंह को जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो पीएम के विरोधी होते हैं, जो भाजपा के विरोधी होते हैं उनको वो फंसाते हैं। सुशील मोदी को भी उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि सुशील मोदी खुद जानते हैं कि जब महागठबंधन 2015 में था तो उस वक्त भाजपा की क्या हाल हुई थी, अब जो है फिर से महागठबंधन बना है तो अब भाजपा की क्या हाल होगी, सुशील मोदी जानते हैं। इसी तरीके से वो जो बयान दे रहे हैं वो इसी का मतलब है। लेकिन अब साफ तौर पर यह कह दिया है कि बिहार में महागठबंधन इंटैक्ट है और पूरी तरीके से देश में सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट किया जाएगा और नीतीश कुमार इसका नेतृत्व करेंगे। हालांकि ललन सिंह ने इस बात से इनकार किया है कि पीएम उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार। फिलहाल इसको बने हमारे साथ, धन्यवाद।